नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। ये जो गाछ आप देख रहे हैं स्प्लेरा द्वारफ वेराइटी है और इसको सामान्य नाम अम्ब्रेला प्लांट है। अम्ब्रेला प्लांट से सभी लोग इसका नाम जानते हैं। दोस्तों ये जो गाछ है आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाछ है और इसका जो रंग है आपको सालों भर एक ही लाइट में रहता है, एक ही सामान्य रहता है। मतलब देखने में कभी भी होता है कि जैसे आपको धूप हो गया तो डाउन होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर आप गाछ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग गाछ है। पानी अच्छा से दीजिए, गर्म में भी बहुत अच्छा चलेगा है। और ये जो हम यहाँ कट कर रहे हैं, कट करने से गाछ जो है पूरा झकड़ा हो जाएगा, यानी कि पूरा गमला ढक जाएगा। इसके अंदर आपको खाद देना है, सरसों का जो खली होता है मस्टर्ड के, उसको आप 3 दिन पानी में फुला दें। और 3 दिन पानी में फुलाने के बाद इसको लिक्विड करके पानी में घोल करके पतला करके दें तो ये बहुत ही अच्छा घास जो कट कर दिया। इसके बाद आपको घास बहुत झगड़ा हो जाएगा, यानी कि आपको बहुत ही सुंदर लगेगा घास देखने में। और यहाँ पर हम आपको जो कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद में आपको दिखाएँगे यहाँ पर कैसे आप नया घास बना सकते हैं। जैसे आप एक घास भी यदि आप ख़रीद के लाए हैं अपने घर में तो आप जो हम आपको तरीका बताएँगे उस तरीके से आपके पास लगभग साल में 10 घास फिर से बन जाएगा। गाच जो आप जो कट करेंगे तो फिर वहाँ पर वो थोड़ा बहुत खाद देने से फिर वो जो है सही हो जाएगा। इसके अंदर आप महीना में एक बार वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए, उससे भी गाच बहुत अच्छा रहेगा। और मस्टर्ड केक जो है वो बोले कम से कम 15 दिन बाद आप मस्टर्ड केक पानी में फुला करके लिक्विड करके आप उसको दे सकते हैं। 100 ग्राम मस्टर्ड केक लीजिए और 1 लीटर पानी उसको फुला दीजिए और लिक्विड पतला पानी करके 10 लीटर पानी में घोल दीजिए और ये सब गाच में दे दीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है कि यही गाछ खाएगा खाली मस्टर्ड केक, आपके पास जो भी पौधा है उसमें आप दे सकते हैं। मस्टर्ड केक फ्लावर्स हो या जो भी गाछ हो उसमें आप दे सकते हैं, तो उसके साथ में आप इस पौधे में भी दे सकते हैं। और हम जो कटिंग जो ग्रोथ करेंगे उसके बारे में जो दिखा रहे हैं क्या करेंगे, पत्ता जो है इसका बहुत भारी होता है थोड़ा, तो इस वजह से पत्ता को हमको हल्का करने का पड़ेगा तब जा करके जिसमें कटिंग जो हमारा हीले नहीं, कटिंग जो कुछ भी आप बैठा रहे हैं तो उसको पत्ता नीचे की तरफ से हटा देना पड़ता है। बालू को भिजा दिया जाएगा, बालू लेंगे छाली गमला के अंदर और इसको हम कट कर दिए जो आप देख रहे हैं आपके सामने में है। और कट करने के बाद इसको कम से कम 2 इंची ये बांस के स्टिक लेकर के 2 इंची गड्ढा करेंगे, उसके अंदर हम अच्छा से बैठाएंगे। और इसके अंदर हमको पाउडर देने पड़ेगा, हार्मोन्स पाउडर। हार्मोन्स पाउडर यदि आपके पास नहीं है तो आप दालचीनी का भी पाउडर दे सकते हैं, उसमें भी काम हो जाएगा, किंतु मेरे पास हार्मोन्स पाउडर है इसलिए हम हार्मोन्स पाउडर ही दे रहे हैं। इसमें बहुत ही अच्छा काम होता है, आपको लगभग 90% काम हो जाएगा। और हम इसको इसके पहले जो कटिंग जो किए हैं उसको हम आपको दिखाएंगे। इसको होने में लगभग आपको 40 दिन लग जाता है कटिंग का। अभी जो मौसम चल रहा है, मान लीजिए अभी 1 महीना पहले हम किए थे, 35-40 दिन हो ही चुका है, तो उसको हम आपको रिपोर्ट दिखाएँगे। और ये जो कटिंग हम कैसे करें किए उसके बारे में हमने आपको दिखाया कि आप भी मैंने इसको समझ लें सही से, इसलिए हमने आपको इसको यहाँ पर सामने में कटिंग करके दिखाया। और ये जो है आप देखिए थोड़ा सा हल्का तिरछा करके इसको बैठाएंगे और लगभग 2 इंची गड्ढा करके स्टिक से उसके अंदर इसको अच्छा से बैठा करके हाथ से पुश कर देना है, मतलब आपका वो हिलेगा नहीं, डाल जो हिलेगा नहीं, सही ढंग से बैठेगा। जो कोई भी आप कटिंग कर रहे हैं इस तरीके से आप बैठाएँगे तो आपको घास 100% होगा। जो मान लीजिए बाई चांस 1-2 डाल ऑलरेडी मैंने कटिंग जो है पूरा 100 तो नहीं हो पाता है, किंतु आप यदि सही ढंग से लगाएंगे तो आपको 90% तक सही ढंग का हो जाएगा। और यहाँ कटिंग दे को पानी दे करके शेड एरिया में हमको रखने पड़ेगा या कोई गाछ का छाया हो वहाँ रखना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कटिंग लगाए थे 1 महीना पहले, लगभग 40 दिन हो चुका है और इसके अंदर हमारा सिकड़ बहुत ही अच्छा आया है। इसको हम 6 इंची के पॉट में पॉटिंग करेंगे और ये जो गाछ है मेरा पूरा ही रेडी हो जाएगा, नया पौधा मेरे पास रेडी हो जाएगा। मेरे पास जो 10 गाछ था मान लीजिए उसके अंदर हमको और भी 10-15 गाछ मिल जाएगा तो मेरे पास और ज़्यादा गाछ हो जाएगा। और यहाँ पर जड़ अच्छा ही आया है, जड़ बहुत ही बेटर आया है। इसके अंदर आपको ये जो अम्ब्रेला प्लांट है इसमें देखिएगा इसी के अंदर से कोई कोई डाल हरा भी निकल जाता है, तो कोई बात नहीं है, उसका भी एक अपना जाति बन जाता है। और ये जो हम कंपोस्ट लिए इसके ऊपर हम थोड़ा आपको फंगिसाइड पाउडर दे दे रहे हैं,
बाई चांस इसके अंदर यदि कुछ होगा ऐसा फंगस तो हट जाएगा और मिट्टी भी मेरा सही हो जाएगा। मिट्टी सूखा मिट्टी लेना है जिससे कि आपको गाछ मैंने सही रहेगा। सूखा मिट्टी बिल्कुल मैंने फ्रेश होता है, सही होता है। इसको मिट्टी को अच्छा से मिला देंगे। आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं या गोबर का खाद ले सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट होना चाहिए, लगभग 20% होना चाहिए और इसके अंदर लगभग 10% बालू होना चाहिए। यानी कि आपको 70% मिट्टी हुआ और 10 बालू और 20 कंपोस्ट। उसको लेकर के हमको स्टार्टिंग में 6 इंची में इसको बैठाना है। 6 इंची में जो बैठाएंगे तो उसको नीचे में टूटा हुआ जो गमला का जो टुकड़ा होता है उसके नीचे लिया जाता है, उसके ऊपर एक मुट्ठी मिट्टी दे करके उसको हम बैठा देंगे। बैठाने के बाद लगभग आधा गमला से थोड़ा ज़्यादा मिट्टी देंगे और इसके अंदर थोड़ा जगह रखेंगे। इसमें गर्मी का मौसम अभी आ रहा है, पानी थोड़ा सही ढंग से उसके अंदर रखने होगा हमको। और ये मेरा गाछ लगभग ये 6 इंची के पॉट में कम से कम 6 महीने 8 महीने आराम से रह जाएगा। 6-8 महीने के बाद जब गाछ पूरा लंबा होगा, ग्रोथ करेगा, तो इसको हम फिर से दूसरा पॉट में देंगे। और इसको क्या करते रहने पड़ता है, आपको गाछ जैसे मान के चलिए 6 महीना बीता, आपका गाछ थोड़ा बड़ा हो गया, आप इसको अब 6 इंची से देंगे 8 इंची में। 8 इंची में देने के बाद में और 2-3 महीना जाने के बाद क्या करेंगे, इसका ऊपर का माथा ज़्यादा लंबा होने से भारी होता है, उस टाइम में इसको थोड़ा कट कर दीजिए। कट करने के बाद वहाँ से वो 2-4 डाल फेंकेगा और वो पूरा झकड़ा होगा, यानी कि पूरा आपको गमला ढक देगा, पूरा घना हो जाएगा। तो देखने में गाछ मैंने और ही अच्छा लगता है। और सिर्फ एक स्टिक इसे निकलने से वो गाछ आपको देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम जो गाछ जो भी बनाते हैं उसको लगभग 3-4 डाल 5 डाल उसके अंदर जितना ही ज़्यादा डाल निकलेगा, 6 डाल भी निकलेगा तो मैंने हमको गमला पूरा ही कवर करेगा और देखने में वो अच्छा लगता है। तो इसलिए इसका जो है आपका गाछ जो है मतलब बनाने का जो तरीका है वही वाला सही होता है। एक डाल स्टिक रहने से ये जो देख रहे हैं एक डाल हम तो लगा रहे हैं इसको, किंतु जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो जो तरीका बताएं वही तरीका से वहाँ से आपको 6-8 महीने के बाद बड़ा पॉट में लगाने के बाद 2-3 महीने बाद कट करके आप फिर वहाँ नया गाछ बना सकते हैं और उससे आपको वहाँ से नया गाछ डाल निकल जाएगा 2-3 डाल। और उसके अंदर थोड़ा हमको खाद देने पड़ेगा, किंतु खाद जिस तरीके से बताएं उस तरीके से आप खाद देते चलें तो आपको गाछ जो है ग्रोथ अच्छा से होते रहेगा। और ये गाछ आपको लगभग इंडोर प्लांट नहीं है, इंडोर में रखने से इस गाछ को परेशानी हो सकता है। कम से कम आपको 8 दिन तक अंदर में रह सकता है, 8-10 दिन रहेगा, लेकिन उसके बाद आपको 1-2 दिन के लिए बाहर निकालना पड़ेगा जिससे कि इसको धूप मिल जाए और तब ये गाछ जो है आपको सही रहेगा। यहाँ पानी देंगे, पानी देने के बाद में इसको कम से कम हमको 10 दिन के लिए शेड एरिया में रखना है, क्योंकि अभी थोड़ा गर्म मौसम आ गया। ये जो महीना है आपका मार्च महीना ख़त्म हो गया, कम से कम हमको 10 दिन तक इसको शेड एरिया में रखना है। 10 दिन रहेगा उसके बाद ये सही हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।